नागरिक सुरक्षा कोर के 59वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा इस्लामिया इंटर कॉलेज के सभागार में वार्डन सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साप्ताहिक समापन समारोह के रूट मार्च को चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश व बनबारी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रूट मार्च को रवाना किया। रूट मार्च में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का दस्ता, होमगार्ड, पीएसी, पुलिस व प्राइवेट बैंक, पूर्वोत्तर रेलवे, नागरिक सुरक्षा सदस्य, घुड़सवार पुलिस आदि के दस्ता शामिल रहे। रूट मार्च इस्लामिया इंटर कॉलेज से निकलकर बक्सीपुर नखास चौक घोष कंपनी टाउन हॉल होते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज वापस पहुंचा, जिसके संबंध में चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा कि कोरोना काल में 1,00,000 से अधिक फूड पैकेट बांटकर वार्डन ने पूरे प्रदेश में इतिहास कायम किया है। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का बड़ा ही प्रशंसनीय योगदान रहा है, जिनकी प्रशंसा को नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आप सभी धार्मिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहे। उन्होंने कहा कि आगे गोरखपुर महोत्सव में भी सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह तथा नागरिक सुरक्षा कोर के सभी वार्डन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, स्वागत कर रहे हैं हमारे उप
कार्यक्रम में आपका स्वागत करें और कार्यक्रम का उद्घाटन अपने संबोधन से करें। हम उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे एडीएम सिटी साहब, रक्तदान मतदान दाता जागरूकता और अभी हाल में अपने एडीएम इरफान महोदय के दिशा निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे आने वाले मकर संक्रांति त्यौहार में भी हमारे वार्डन्स का हर वर्ष की भांति इस बार भी गोरखनाथ मंदिर में एक कैंप लगेगा, जो 3 दिन का कैंप होता है, जिसमें वार्डन्स पूरी तन्मयता के साथ लोगों की मदद करते हैं, जो लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। आज आपकी रिकमेंडेशन पे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिविल लाइन डिवीजन को हमारे सीएम सर ने पुनर्जीवित कर दिया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि अपने पूज्य जिलाधिकारी महोदय की कर कमलों से हुआ गोरखपुर में। उसके लिए हम आपको हृदय से और अपने सीएम साहब को हृदय से धन्यवाद देते हैं सर। आईसीयू, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन और आज इस 1 किलोमीटर जो लंबी जो ये सभी के लिए है, रिएक्शन के लिए जो डाल डालिया ये सभी के लिए है। और आपके आपके मुखिया वार्डन सेवा के मुखिया डॉक्टर संजीव गुलाटी जी को देखिए डीएम साहब के द्वारा पहनाने का मतलब कि आप सभी को ये दिया जा रहा है। कि आप लोगों की तरफ से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, कोई बेसिक ट्रेनिंग आपको पुलिस संबंधी लेनी हो या फायरिंग की कोई ट्रेनिंग लेनी हो तो इस संबंध में जिलाधिकारी और एसएसपी साहब के अनुमोदन से आपके लिए वो एसेंशियल प्रशिक्षण करा दिया जाएगा। या बेसिक टैक्टिक्स, बेसिक सावधानियाँ, फायर के संबंध में कोई ट्रेनिंग लेनी हो, आग से बचाव के संबंध में और सावधानियों के संबंध में, तो उस बारे में भी हम अलग से संपूर्ण सिविल डिफेंस टीम के लिए शिक्षा दे देंगे। और जैसे गोरखपुर में हमेशा से आप सहयोग करते रहे हैं, ऐसे ही आपस में ये सहयोग की भावना बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, हम लोगों के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। इस स्थापना दिवस के मौके पर मैं जनपद गोरखपुर पुलिस की तरफ से, एसएसपी गोरखपुर की तरफ से आप सभी लोगों को इस स्थापना दिवस की बहुत ही बधाई देता हूं और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। इलाज करने में कभी कभी एक आध गिनती की, एक आध दशमलव की जो कमी रह जाती है वो है। इस रक्तदान में के लिए डॉक्टर जानकी प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारे चीफ वार्डन डॉक्टर शरद इस कार्यक्रम को संपन्न कराया था। बधाई हो श्री विकास जालान जी को, बधाई हो श्री मुर्तुजा आलम साहब को और उनके समक्ष। शिकायत करने के मतों के हाथों से लें, उसके बाद डॉक्टर उमेश चंद श्रीवास्तव जी सम्मान पत्र ग्रहण करें, अतुल मित्तल जी घटक की आप पुनः एक बार मंच पे आए, इसलिए कि जो डिप्टी पोस्ट वार्डन है, तो सिविल लाइन है, कृपया आप मंच पर आए। जिलाधिकारी महोदय और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदयों के हाथों सज्जन प्रकाश तिवारी जी जो सिविल लाइन समाप्त कर दिए गए थे वो भी बहाल हो गए हैं, जोरदार तालियां इसके लिए अनुमोदित है, उसे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही पूरे जिले की प्रशासन की टीम की ओर से, सभी गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, जो गत वर्ष में विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें आपका योगदान और आपकी प्रतिभागिता जो रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रही है, जिसका मैं खुद ही
जसवंत गवाह हूँ और इसके लिए मैं तय दिल से व्यक्तिगत रूप से भी आपको विशेष धन्यवाद। साथ ही प्रशासन और जनमानस को विभिन्न चुनौतियां, विभिन्न आयोजनों में जो आपकी प्रतिभागिता रहती है, कटिबद्ध निष्ठापूर्वक सहभागिता रहता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, बाढ़ से निपटने की बात हो, धार्मिक आयोजनों की बात हो, प्रशासनिक आयोजन की बात हो, हर एक क्षेत्र में आप प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिला के आप अपना दृढ़ता से हमारे साथ डटे रहते हैं। इसके लिए मैं सभी को अनेकों बार आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा और मैं कामना करूँगा कि आगे की हमारी चुनौतियों में, हमारे विभिन्न प्रकार के आयोजनों में, चाहे वो आगामी विधानसभा चुनाव हो या शीतलहर की बात हो, गोरखपुर के महोत्सव की बात हो, विभिन्न आयोजनों में आपकी प्रतिभागिता की मैं अपेक्षा करूंगा और इसी तरह के जज्बे के साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे, ये हम लोग अपेक्षा रखेंगे। मैं मानता हूं कि नागरिक सुरक्षा एक वॉलेंट्री फोर्स है। बहुत लोग कहते हैं कि वॉलेंट्री फोर्स ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, लेकिन इस जनपद में और हमारे पूर्व अनुभव में जो मैंने देखा है, सामुदायिक सहभागिता जो आपके माध्यम से सुनिश्चित हो पाती है, आपके माध्यम से जो एक व्यवहार परिवर्तन की बात हो पाती है, वो बहुत कम अभियानों में, बहुत कम टीमों द्वारा हो पाती है। इसलिए हम लोग आपसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए आज आपको पुरस्कार करते वक्त मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई और मुझे बहुत गर्व का महसूस हुआ। मैं आपसे आग्रह करूंगा और ये मैंने पूर्व में भी आपके आपके पदाधिकारियों से बात करते वक्त किया है, हमें संस्थागत व्यवस्था में निवेश करना है। मैं अनुरोध करूंगा सभी से, हम प्रशासन के, मैं हमारे साथी अधिकारियों से और पूरे नागरिक सुरक्षा के टीम के ओर से, एक संस्थागत व्यवस्था हमें बनना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं को लागू करने में जो आप भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करना हो, मौके पर उसमें परिवर्तन लाने की बात हो, ये सब में बहुत सारे प्रचार प्रसार के अभियान होते हैं, चाहे वो आपदा के लिए निपटने के लिए पूर्व की तैयारी करनी है, क्योंकि जो युद्ध है उसको हमें लड़ने के लिए लोगों को जोड़ना बहुत है। अगर सफल अभियान का इतिहास कोई विश्लेषण करे तभी कोई आयोजन सफल हो पाता है, कोई अभियान सफल होता है, कोई मिशन या सरकारी योजना सफल हो पाता है, जब लोगों की बढ़ चढ़ कर उसमें प्रतिभागिता होती है, सामुदायिक सहभागिता, और उसमें आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप वहीं से उभर के आते हैं, वहीं से कटिबद्ध प्रयास करके आपकी निष्ठा में और ये इतने साल की जो लेगेसी है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके काम करते हैं। आज हम 59वें नागरिक सुरक्षा दिवस पर ये हमारे गोरखपुर शहर के सारे वार्डन्स को हम लोगों ने पुरस्कृत किया, जिन्होंने भी अच्छा कार्य एक साल में किया है, उन सबको आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के हाथों से पुरस्कार दिया गया है। और आज सुबह पहले एक रूट मार्च निकला था हम लोगों का, जिसमें कि हमारे शहर के वार्डन्स, तमाम पुलिस बैंड और अन्य बैंड भी, NCC के बच्चे और PRD के जवान, होमगार्ड के जवान, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने ये सुबह रूट मार्च निकाला था। ये रूट मार्च यहाँ से बख्शीपुर चौराहे से फिर उधर आगे नखास होते हुए और फिर घोष कंपनी होते हुए, बैंक रोड होते हुए वापस यहीं पर आके मिल गया था। आज नागरिक सुरक्षा के 59वें स्थापना दिवस पर आज एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे सभी वार्डन्स के साथ मिलके, सभी पदाधिकारियों के साथ मिलके और सामाजिक संगठनों के साथ मिलके किया गया है, और इसमें सभी गत वर्ष में अच्छे कार्य करने वाले सभी वार्डन्स को पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है और सभी प्रशासन की ओर से हम लोगों ने आह्वान किया कि आगे के गतिविधियों में भी, आगे के चुनौतीपूर्ण आयोजनों में भी उनकी प्रतिभागिता इसी तरह रहे, और बहुत अच्छा वातावरण के साथ ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ।